सो वेलकम बैक दोस्तों, आज जानेंगे AOD कस्टमाइजेशन के बारे में। तो चलिए जानने के लिए चलिए सबसे पहले चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको दिख जाता है पर्सनलाइजेशन क्या होता है। इस पर टैप करते हैं, टैप में आपको देखेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले थर्ड नंबर पे। इसमें आप टैप करते हैं करंट, आप देखेंगे ये लगा हुआ है। आप खूब सारे स्टाइल इसमें चूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। तो हम सिंपली चूज़ कर लेते हैं ये स्टाइल, देखिए देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें आप डिजिटल एनालॉग ऐड या हटा सकते हैं। डिजिटल ये देख सकते हैं, डेट बैटरी नोटिफिकेशन आइकन आप ऐड कर सकते हैं। इसके कलर चेंजेस कर सकते हैं, डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये नहीं चाहिए तो टैप प्लस के आइकन पर टैप कीजिए। कस्टमर पैटर्न चाहिए रेंडमली आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए। आप यहाँ से शेप भी ले सकते हैं, आपको किस शेप में चाहिए, आप यहाँ से ये कैसा शेप चाहिए आप ये सब देख सकते हैं यहाँ से। और ये रेंडमली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप खुद का बनाना है तो यहाँ से क्लियर का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप अपना कलर चूज़ कीजिए और अपना कलर भी बनाते जाइए। ये देखिए सिंपली इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। ये कस्टमाइजेशन है, एनालॉग डायलॉग फिट कर सकते हैं, कलर चेंजेस कर सकते हैं और सिंपली इसको अप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए ये करंटली लॉक स्क्रीन पर लग चुका है। और एक बात और दोस्तों, ये सिर्फ ओनली AMOLED डिस्प्ले पे लगता है। अगर आपको आप पर आती है डिस्प्ले तो आपको थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, उससे आप लगा सकते हैं।